बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे जैसे मुहर्रम के अय्याम करीब आ रहे हैं, हमारे दिलों की बेचैनी बढ़ती जा रही है कि किस तरीके से हम हुसैन का गम बरपा करें। दो चीज़ें हैं, एक आज़ादारी है, एक जुलूस अज़ा है। ये तय है कि आज़ादारी जब बनी उमैया और बनी अब्बास के दौर में न रुकी तो कभी आज़ादारी नहीं रुक सकती। जहाँ तक मरहला जुलूस का है, हमारा मुल्क, हमारा ये वतन, इसमें न जाने कितने हमारे ऐसे हिंदू भाई हैं कि जो ख़ुद ताज़िया रखने वाले हैं, जो ख़ुद इमाम बारगाह बनाने वाले हैं, जो ख़ुद हर साल सैकड़ों और हज़ारों की तादाद में मन्नतें मानने वाले हैं और मन्नतों के बढ़ाने वाले हैं। लिहाजा मुहर्रम सिर्फ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के उन चाहने वालों के लिए एक इम्तिहान इस वक्त बन के नहीं आ रहा है कि जो आपकी इमामत के कायल हैं, बल्कि इमाम हुसैन के हर उस चाहने वालों के लिए ये मुहर्रम इम्तिहान और सख्त मंजिल बन के आ रहा है जो इमाम हुसैन से सच्ची अकीदत और मोहब्बत रखते हैं। लिहाजा हम दुआ तो करें, लेकिन उसके साथ साथ हम अपने मुल्क की हुकूमत से उम्मीद रखते हैं कि वो इसके सिलसिले में जल्द ही कोई गाइडलाइन जारी करते हुए हमको इतनी इजाज़त देंगे कि हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का ये जुलूस और जुलूस अज़ा हम जिस तरीक़े से सड़कों पे ले आते थे और अपने गमों का इजहार करते थे, हमको इजाज़त दी जाएगी और इंशाअल्लाह तमाम अमनियती तराकीब को और तमाम उन उसूलों के ऊपर अमल करते हुए हम मौला के चाहने वाले आज़ादारी को बरपा करेंगे। इसलिए कि एहतियात और किसी भी मुश्किल के अंदेशे से अपनी हिफाजत के लिए ख़ुद शरीयत भी हुक्म दे रही है, लिहाजा हम तमाम हिफाजती तदाबीर को अंजाम देते हुए इंशाअल्लाह मुहर्रमुल हराम के जुलूसों को अंजाम देंगे।